हर हर महादेव संग गौरा पार्वती, कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है, उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्रगण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपद्री शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने करकमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, पेड़ौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले, श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां भयंकर प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेड़ौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है? यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोगों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यह प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है, तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करने चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्द हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा।
उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले, महेश ने कहा, दैत्यनाथ अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूं, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की, फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने उस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधीप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंतक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से तथा थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थल स्थान पर आकर पूर्व स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्रीहरि प्रसन्नचित हुए समस्त देवों, मुनियों और पद्मयोनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्य अन्य सभी जीव सुखी हो गए। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। संग गौरा पार्वती। धन्यवाद।